दोस्तों कैसे हो? दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स बाय हेलो एरीन्स। दोस्तों पिछली वीडियो में हम एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि एरिल हैलाइड जो हैं ये चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं। पहली बताई थी मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी धातुओं से अभिक्रिया, तीसरी अपचयन और चौथी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम फर्स्ट अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, तो एरिल हैलाइड की अब हम नंबर दो अभिक्रिया पढ़ेंगे, धातुओं से अभिक्रिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। तो सेकेंड पढ़ेंगे हम धातुओं से अभिक्रिया। चार प्रकार के अभिक्रिया देते हैं ना, पहली हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और अब दूसरी पढ़ रहे हैं धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, जो मैं पढ़ाता हूँ इसमें राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई सबको कंबाइंड करते हैं अपन, है ना, तो इसलिए कोई भी स्टेट का वाला को आराम से पढ़ सकता है। धातुओं से अभिक्रिया में बात करते हैं। नंबर एक सोडियम धातु से अभिक्रिया। हाँ सोडियम धातु से अभिक्रिया, मेरी बात को सुनो अब ढंग से। आपको दोस्तों ध्यान होगा, सुनो, एल्किल हैलाइड जो थे वे भी धातुओं से अभिक्रिया करते थे, वहां भी सोडियम धातु से अभिक्रिया पड़ी थी। अब एरिल हैलाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया पड़ रहे हैं। ठीक है, मान लो तुमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्या लिया? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के आपको दो अणु लेने हैं। ये क्लोरोबेंजीन मैं इस तरह से बना रहा हूं, तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु, बिल्कुल डिटो ऐसी अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइडों में भी पढ़ चुके हैं। और क्लोरोबेंजीन के ये अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करेंगे, दो NaCl बन जाएंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी, ध्यान करो। वहां अपन ने पहले दो एल्किल हैलाइड लिए थे, आपके दो एरिल हैलाइड लिए हैं क्लोरोबेंजीन, दो NaCl निकल जाएंगे और उत्पाद बनेगा इस तरह का। मतलब दो बेंजीन भले आपस में जुड़ी होंगी, यही बनेगा ना भाई, दो NaCl निकल गए, आधा बंद इधर आधा बंद इधर, और दो क्या बन जाएंगे? NaCl। ठीक है, ये बना डाइफेनिल। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर उत्पाद डाइफेनिल बनता है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं फिटिग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? फिटिग। नाम रिएक्शन है। अच्छा, अगर मैं दो एल्किल हैलाइड लेता और उनकी अभिक्रिया सोडियम धातु से कराता, है ना, तो एल्केन बनता है, ध्यान करो, और वो अभिक्रिया कहलाती है बुर्ज, और ये है फिटिग। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, एक एल्किल हैलाइड ले लो और एक एरिल हैलाइड ले लो। मतलब जैसे मैंने एक क्लोरोबेंजीन ले लिया और एक एल्किल हैलाइड ले लिया, मान लो CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ठीक है, और इनकी अभिक्रिया मैं सोडियम धातु से करा रहा हूं, और वो ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो रिएक्शन तो उसी तरह से होगी भाई, दो NaCl निकल जाएंगे और उत्पाद बनेगा बेंजीन वाले से CH3 जुड़ जाएगा, मतलब उत्पाद बनेगा टोलुइन और दो NaCl। देखो आप दो एल्किल हैलाइड लेते हो, दोनों ओर एल्किल हैलाइड हैं, सोडियम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो अभिक्रिया बुर्ज। एक दोनों एरिल हैलाइड हैं तो अभिक्रिया फिटिग। एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड है तो ये अभिक्रिया कहलाएगी बुर्ज फिटिग। मतलब ये तीन अभिक्रिया हैं एक जैसी, बुर्ज फिटिग अभिक्रिया। बात को समझ लो ढंग से। अगर आप दो एल्किल हैलाइड लेते हैं और सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया है बुर्ज। एक एल्किल हैलाइड है और दोनों एरिल हैलाइड लिए अपन ने तो फिटिग।
एक एल्केलाइड और एक एरिल हैलाइड है, सोडियम धातु से अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया है पुट्ज फिटिक। तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं, हम पहले इसके बारे में लिखेंगे फिटिक अभिक्रिया के बारे में। कैसे? इसी के रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। इसी रिएक्शन के संदर्भ में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में उत्पाद डाइफेनिल बनता है। लिख सकते हैं, लिखते हैं तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर उत्पाद डाइफेनिल बनता है। क्लियर? क्या बनता है? डाइफेनिल। और यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? यह अभिक्रिया जानी जाती है फिटिक अभिक्रिया। लिख सकते हैं यह है अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो गई फिटिक, ठीक है, जिसके नीचे समीकरण लिखी हुई है। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हो, समझ गए होंगे, मिष्टा लगा के दोबारा लिखूंगा। क्या कैसा करते हैं? अगर क्लोरोबेंजीन मतलब एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हो, तो हम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे कराएं? सोडियम धातु से कराने पर उत्पाद टोलुइन बनता है। टोलुइन ही तो बन रहा है, वो बेंजीन वाले से CH3 जुड़ रहा हो तो टोलुइन, उत्पाद टोलुइन बनता है। आगे लिख सकते हैं यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऊपर वाली अभिक्रिया फिटिक है और ये नीचे वाली बुर्ज फिटिक है। अब आपका काम, आप समझ गए होंगे, ये सोडियम धातु से अपन ने अभिक्रिया पढ़ी। वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं बी, धातुओं से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ये तो ए पढ़ी है, पहली अभिक्रिया पढ़ी है हमने। इसके बाद पढ़ेंगे हम बी, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। ये भी वहां पढ़ी थी, ग्रिग्नियर अभिकर्मक बनता था एल्केलाइडों में, ध्यान हो तो। तो अब हम बी पढ़ेंगे, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। ठीक है, जब आप एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो उत्पाद ग्रिग्नियर अभिकर्मक बनता है। जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, मान लो ये क्लोरोबेंजीन और इसकी अभिक्रिया मैं मैग्नीशियम धातु से करा रहा हूं। ठीक है, ये एक एरिल हैलाइड है और वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है, बिल्कुल डिटो पहले वाली, पहले एल्के लाइड की पड़ी थी। तो ये मैग्नीशियम इस CX बंद के बीच में एंटर हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा इस तरह का MgCl। ये बना, ये फेनिल है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और अंत में कौन है, ये क्लोराइड।
ये बना, इसको गृण्यारा विकर्मक भी बोलते, ये भी गृण्यारा विकर्मक है। आर एम जी सी एल भी गृण्यारा विकर्मक था, एल्किल जुड़ रहा था एम जी से जब, और फेनिल जुड़ रहा है तो भी गृण्यारा विकर्मक है। तो हम कह सकते हैं एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराने पर उत्पाद गृण्यार अभिकर्मक ही बनता है। पहले भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराओगे तो भी निर्मित उत्पाद गृण्यार अभिकर्मक है, ये भी गृण्यार अभिकर्मक है। तो हम लिख सकते हैं एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, समझते हुए चलो है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराने पर उत्पाद गृण्यार अभिकर्मक बनता है। ठीक है, ये डिटो अभिक्रिया अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम एल्किल हैलाइड जैसी अभिक्रिया है। सी पढ़ेंगे हम कॉपर धातु से अभिक्रिया या कॉपर चूर्ण से अभिक्रिया। कॉपर चूर्ण समझ गए होंगे, मतलब कॉपर धातु जो लेनी है वो चूर्णित अवस्था में लेनी है, बिल्कुल पिसी हुई। जब आप एरिल हैलाइड, कौन सा एरिल हैलाइड लेना है, आयोडोबेंजीन, ढंग से देख लो, और आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया आप कॉपर चूर्ण से करा रहे हो, तो आयोडोबेंजीन के दो अणु लेने हैं, ठीक है, और कॉपर चूर्ण से ये अभिक्रिया हो रही है तो उत्पाद बनेगा CuIT, CuI2, कॉपर आयोडाइड। क्या बनेगा, CuI2 कॉपर आयोडाइड बनेगा, और उत्पाद संघ में डाइफेनल बनेगा, दिख रहा होगा डाइफेनल, ये बनेगा उत्पाद। ये भी आपको रिएक्शन याद रखनी है क्योंकि इसका भी नाम है, ये है उलमान अभिक्रिया। कौन सी है, उलमान। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया, आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण से कराने पर उत्पाद डाइफेनिल बनता है, डाइफेनिल ही तो बना, और यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, उलमान अभिक्रिया। यह अभिक्रिया उलमान अभिक्रिया कहलाती है। तो आज अपन ने तीन नाम अभिक्रिया पढ़ ली धातुओं से अभिक्रिया में, एक आई फिटिग, एक आई बुर्ज फिटिग, और एक आई उलमान अभिक्रिया। तो नेम रिएक्शन आ रही है इसलिए ये इंपॉर्टेंट रखती है ना। तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसे नोट करो। कर लिए नोट, अब मेरी बात सुनो, आप तसल्ली से सुनो दोस्तों, सुन रहे हो। हमने पहली पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, और दूसरी धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से तीन धातुओं से अभिक्रिया कराई मैंने एरिल हैलाइड की, सोडियम धातु से, फिर मैग्नीशियम धातु से, और अंत में कॉपर धातु से, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है तीसरे प्रकार की अभिक्रिया, पहली हो गई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरी हो गई धातुओं से अभिक्रिया, और तीसरी आएगी अपचयन, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे अब अपचयन, देख लो इधर, अगर हम क्लोरोबेंजीन है अपने पास, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये CX बंद दिख रहा होगा आपको, अगर इसका अपचयन हो जाए, दो H इससे जुड़ जाए, एक H इधर और एक H इधर, तो उत्पाद है जो बन जाएगा बेंजीन,
बेंजीनी बनेगी ना भाई। देखो एक बंद टूटे, एक एच इधर जुड़ जाए, एक हाइड्रोजन का जुड़ना अपचैन, इससे दो एच जुड़ जाए तो बेंजीन बन जाएगी, एक एच इधर जुड़ गया तो, और संग में हमला HCl बन जाएगा। तो ये अपन को फिक्स हो गया कि क्लोरो बेंजीन का अगर आप अपचयन करामें तो उत्पाद क्या बनेगा, बेंजीन बनेगी। अब चाहे कौन लेना है, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और NaOH क्षार, है ना, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और NaOH क्षार लेना है, तो ये आपस में क्रिया करते हैं AL और NaOH, तो उत्पाद बनता है NaAlO2। ये दोनों क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन आते हैं और ये हाइड्रोजन इसका अपचयन करते हैं। आप तो डायरेक्ट याद रखो, ये अपचायक है, ये हाइड्रोजन, ये मिश्रण जो है ना, ये निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और NaOH का जो ये मिश्रण है, ये अपचायक है। अपचायक वह होता है जो दूसरे का अपचयन करता है, तो ये हाइड्रोजन देता है और ये हाइड्रोजन इसका अपचयन करते हैं और उत्पाद क्या बनता है, बेंजीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी हमें याद रखना है, क्या हुई रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन का अपचयन। क्लोरोबेंजीन का अपचयन निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु, भाषा में लिख देता हूं, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु बे क्षार NaOH द्वारा कराने से उत्पाद बेंजीन बनता है। तो ये जब आप क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराओगे तो अपचायक ये लेना होगा और उत्पाद बनेगा क्या, बेंजीन, बेंजीन बनता है। तो दोस्तों ये अपचयन भी पढ़ ली हमने, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। कर लिया नोट। तो हम तीन तरह के अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं एरिलाइड की, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, फिर उसके बाद सेकंड पढ़ी हमने धातुओं से अभिक्रिया और अपचयन, अब पढ़ोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर चार, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको ढंग से पढ़ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आप एल्किल हैलाइडों में भी पढ़ी थी अपन ने, ध्यान है क्या, एल्किल हैलाइड में भी पढ़ी थी। कैसे होती थी, एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता था, नाभिक स्नेही माइनस चार्ज वाला, नाभिक पॉजिटिव होता है ना, तो नाभिक स्नेही जो होता है उस पर माइनस चार्ज होता है सामान्यतः, नाभिक स्नेही माइनस चार्ज वाला। तो ये क्या होता था, इसमें ये हैलोजन से जुड़े कार्बन पर अटैक करता था और ये हैलोजन हट जाता था, तो उत्पाद बनता था CH3NU। नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है और प्रतिस्थापन हो रहा है, हैलोजन हटाकर खुद जुड़ रहा है, संग में क्या बनेगा, एक्स माइनस। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइडों में पड़ी थी, दो तरह की थी, SN1 व SN2। SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती थी और SN2 एक पद में होती थी, ध्यान आ रही हो तो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में CX बंध टूटता है, हैं? अरे प्रतिस्थापन जब ही तो होगा जब हैलोजन हटेगा, जब ही तो नाभिक स्नेही जुड़ेगा, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में CX बंध टूटता है। और एरिल हैलाइड जो होते हैं इनमें जो CX बंध है दोस्तों, उसमें अनुनाद की वजह से वो आंशिक द्विबंध होता है, ध्यान करो। तो बताओ एल्किल हैलाइड में तो CX बंध सिंगल बॉन्ड है, ये आप जानते हो, और एरिल हैलाइड में CX बंध अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध है और ये मजबूत है, आंशिक द्विबंध प्रबल होता है सिंगल बॉन्ड से, तो इसमें हैलोजन आसानी से नहीं हटेगा, और हैलोजन आसानी से नहीं हटेगा तो इसमें नाभिक स्नेही नहीं जुड़ेगा। भाई CX बंध टूटना है और यहाँ CX बंध आसानी से नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि CX बंध आंशिक द्विबंध है। तो मुझे ये बताओ आप सोच करके कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में कौन
अधिक क्रियाशील है। तो लोगों ने कहा कि ये, क्योंकि ये आसानी से अभिक्रिया दे रहा है, और जो आसानी से अभिक्रिया दे रहा है वो अधिक क्रियाशील है। आसानी से अभिक्रिया क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें सी एक्स बंध टूटता है जो दुर्बल है, और इसमें सी एक्स बंध है जो मजबूत है। आंशिक द्विबंध ये आसानी से टूटता नहीं है, ये टूटेगा नहीं, नाभिक स्नेही जुड़ेगा नहीं। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एरिल हैलाइड कम क्रियाशील है। तो हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइडों की तुलना में एरिल हैलाइड जो होते हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनमें सी एक्स बंध जो है वो आंशिक द्विबंध है, जबकि एल्किल हैलाइडों में सी एक्स बंध एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। सही है। तो हम ये बात लिख सकते हैं, समझ में आई हो आपके तो आराम से लिख सकते हो। हम लिख सकते हैं एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, नाभिक स्नेही समझ के लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। कारण इसका आपको पता ही है, क्योंकि एरिल हैलाइडों में भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सी एक्स बंध टूटता है, और एरिल हैलाइडों में सी एक्स बंध आंशिक द्विबंध होता है अनुनाद के कारण। ऐसे भी लिख देते हैं, अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध होता है। जबकि एल्किल हैलाइडों में सी एक्स बंध कैसा होता है? एकल बंध होता है। क्लियर है? एकल बंध होता है। ठीक है, तो ये इसका कारण हो गया। अब आया क्रियाशीलता का क्रम। बताओ मुझे, मैंने एक तो लिखा क्लोरोबेंजीन, एक लिखा मैंने एल्किल क्लोराइड, कोई मेथिल क्लोराइड लिख दिया। तो इसमें तो ये अनुनाद की वजह से आंशिक द्विबंध है, तो ये आराम से सी एक्स बंध टूटेगा नहीं, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देंगे, कम क्रियाशील होंगे। क्लियर? ये एल्किल हैलाइड है। अच्छा, इन दो को तो जानते हो, एक और बना रहा हूं मैं सामने, कोई पहचानेगा ये क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? ये है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, आपको ध्यान करो, इनमें हैलोजन समूह बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। हैलोजन समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हो तो एरिल हैलाइड, ये है बेंजिलिक हैलाइड। लिख देता हूं, ये है बेंजिलिक हैलाइड जिसका नाम है बेंजिल क्लोराइड, ये कभी पहले भी आया है, ये है बेंजिलिक हैलाइड। और देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बेंजिलिक हैलाइड जो हैं वो एल्किल हैलाइड से भी अधिक क्रियाशील होते हैं। अब क्यों होते हैं इसका कारण मैं बताऊंगा आपको, पर उसके लिए पहले आप इसे यहां तक नोट करो। मतलब क्रियाशीलता का क्रम ये आया
सबसे कम क्रियाशील तो एरिलेलाइड, उससे अधिक तो ये है ही है एल्केलाइड, इसका कारण आपको पता ही है। अब एल्केलाइड से अधिक क्रियाशील बेंजिलिक एलाइड है, क्यों है इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, पर ये ध्यान रखें क्रम, वीडियो को पॉज करो और इसे यहां तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया, तो अपनी बात क्या चल रही थी कि बेंजिलिक हैलाइड जो है ये एल्किल हैलाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, क्यों होते हैं इसका कारण समझो, कारण समझो। देखो जो बेंजिलिक हैलाइड है ना, जैसे ये बन रहा है, ये हमेशा SN1 अभिक्रिया देता है, और SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, ये दो पदों में होती है, ध्यान करो। बेंजिलिक हैलाइड हमेशा SN1 SN2 नहीं देता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह की होती है, SN1 और SN2। तो SN1 पहले पद में क्या होता है, हेलोजन हटता है, ध्यान करो, पहले पद में हेलोजन हट करके कार्बोकैटायन बनता है, ये कार्बोकैटायन बनेगा SN1 में, Cl- हट गया, और दूसरे पद में नाभिक स्नेही अटैक करता है। तो इस तरह से अभिक्रिया होगी, बेंजिलिक हैलाइड जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो देता है वो SN1 देता है, जो दो पदों में होती है, पहले पद में हेलोजन हटकर कार्बोकैटायन, अरे पहले पद में कार्बोकैटायन और हेलोजन एनायन बनता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही कार्बोकैटायन से जुड़ करके उत्पाद बनाता है। अच्छा ये जो बन रहा है मध्यवर्ती, ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन ही है ना, कार्बन प्लस है, ये अत्यधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी क्यों है, क्योंकि इसमें अनुनाद है, ढंग से देखो, डबल बॉन्ड के साथ प्लस एकांतर पर है, और डबल बॉन्ड के साथ जब प्लस एकांतर पर होता है तो क्या होता है, अनुनाद, इसमें अनुनाद नहीं है, डबल सिंगल सिंगल, तो ये कम स्थाई है और ये अधिक स्थाई है, है अधिक स्थाई है, मतलब हम पढ़ते हैं कार्बोकैटायनों का स्थायित्व का क्रम, हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थाई होता है और सबसे कम 1 डिग्री, अरे ये 3 डिग्री से भी अधिक स्थाई है, जब ये 3 डिग्री से ही अधिक स्थाई है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये SN1 अभिक्रिया क्यों दे रहा है, बेंजिलिक हैलाइड इसलिए दे रहा है क्योंकि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, और बेंजिलिक हैलाइड का जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अत्यधिक स्थाई होता है अनुनाद की वजह से, है? तो अब ये भी समझ गए होंगे कि इसका CH बंध आसानी से टूट जाता है, ये अत्यधिक क्रियाशील हुआ। भाई इसका कार्बोकैटायन क्या बन सकता है, एल्केलाइड 3 डिग्री वाले का कार्बोकैटायन 3 डिग्री एल्केलाइड बन सकता, 3 डिग्री एल्केलाइड का कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, पर इसका तो कार्बोकैटायन बेंजिलिक हैलाइड का कार्बोकैटायन तो अत्यधिक स्थायी है अनुनाद के कारण, जिसमें अनुनाद होता है वो अत्यधिक स्थायी होता है। तो मेरी बात समझो बुद्धिमानी से कि बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया देते हैं और बेंजिलिक हैलाइड से निर्मित कार्बोकैटायन एल्किल हैलाइडों से निर्मित कार्बोकैटायनों से अधिक स्थायी होता है अनुनाद के कारण, इसलिए ये अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील क्यों है समझ गए ना, ये जब अत्यधिक स्थायी है तो ये अधिक क्रियाशील नहीं होगा क्या क्रियाकारक, जब ये अत्यधिक स्थायी है तो ये आसानी से बनेगा, इसका CH बंध आसानी से टूटेगा, एल्किल हैलाइडों की तुलना में भी आसानी से टूटेगा। तो हम कारण दे सकते हैं, अब नीचे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेंजिलिक हैलाइड, ढंग से समझ लेना बात को, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन और नहीं कर पाता है लड़का, तो समझ के पढ़ेगा जो कर देगा, बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया देता है, पहली बात तो ये हो गई। फिर आगे लिखता हूं मैं, बेंजिलिक हैलाइड से निर्मित कार्बोकैटायन, बेंजिलिक हैलाइड से निर्मित कार्बोकैटायन, भाई जब ये SN1 अभिक्रिया देगा तो SN1 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनेगा, बेंजिलिक हैलाइड से निर्मित कार्बोकैटायन कॉमा अनुनाद के कारण, कार्बोकैटायन अनुनाद के कारण एल्किल हैलाइडों
से एल के हैलाइड से जो कार्बन का टैन बनेगा उसमें अनुनाद थोड़ी होगा, इसमें अनुनाद नहीं है। जबकि बेंजिलिक हैलाइड से जो कार्बन का टैन बनेगा वो अनुनाद के कारण एल्किल हैलाइडों द्वारा निर्मित कार्ब कैटायन से अधिक स्थायी होता है। 3 डिग्री कार्ब कैटायन से भी अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होता है आता है बेंजिलिक हैलाइड नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड से भी अधिक क्रियाशील होते हैं। आते हैं बेंजिलिक हैलाइड नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, हर बात को समझो फायदे में रहोगे, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड से अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो हमें कारण मिल गया है समझ के पढ़ा तो कारण समझ में आएगा, और समझ के नहीं रट के पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक किसी के दिमाग में नहीं घुस सकती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का सीधा सा फंडा है इसे समझ के पढ़ो, रटो नहीं, नहीं ऑर्गेनिक समझ में नहीं है ये ठीक है ना। क्वेश्चन है ये सारे पेपर में आते हैं डायरेक्ट, तो समझ के पढ़ो, नोट करो, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, और इसके बाद पढ़ते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब तक एक भी अभिक्रिया देखी थोड़ी हमने, हमने ये पढ़ा कि नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं हम। एल्किल हैलाइडों की चौथी अभिक्रिया, चार तरह की अभिक्रिया देते हैं, पर हमने कोई नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी नहीं। अब देखते हैं, तो हमारी हेडिंग आई कुछ महत्वपूर्ण नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कुछ महत्वपूर्ण नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, क्लियर? तो देखो ए, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो आप डायरेक्ट समझ लो, कोई भाषा नहीं, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, दो क्लोरोबेंजीन के अणु है ना, किससे करानी है, दो NH3 के अणु और Cu2O का मिश्रण, Cu2 है क्यूप्रस ऑक्साइड, अमोनिया और Cu2 के मिश्रण से कराई जा रही है 475 केल्विन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर उच्च क्यों रखते हैं इनमें, क्योंकि आपको पता ही है ये कम क्रियाशील है नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर उच्च रखना पड़ता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कोई भी पदार्थ हो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान तुम्हें पता है सक्रियण ऊर्जा उपलब्ध कराता है, ध्यान करो, सक्रिय बनाता है क्रियाकारक अणुओं को। तो ये उच्च टेम्परेचर पर कराई जा रही है अभिक्रिया 475 पे नाविक स्नेही। अब देखो क्या होगा, तुमने वहां पढ़ी थी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से, ध्यान आ रही हो तो आपको, बिल्कुल सेम वही है। तो अमोनिया से अभिक्रिया इस तरह से पढ़ी थी, HX निकल जाता था और RNH2 बनता था, वहां पढ़ी थी तुमने एल्किल हैलाइडों में, ध्यान आ रहा हो तो, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, चतुष्क लवण का मिश्रण बनता था, यहां मिश्रण मिश्रण नहीं बनेगा, तो वही काम होगा,
दो सी एल है, दो क्लोरोबेंजीन है, दो सी एल हट करके दो एन एच टू जुड़ जाएंगे, मतलब ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे ये दो सी क्लोरोबेंजीन है ना, तो दोनों में से सी एल हट करके एच सी एल निकल जाएगा, एन एच टू बन जाएगा, सब जुड़ जाएगा, समझ गए होंगे बुद्धि से। तो ये बन गया एनिलीन। तो यहाँ से क्या हटे, दो सी एल, और वो दो सी एल इसमें जुड़ जाएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी यू टू सी एल टू। अच्छा अब क्या बचा, दो एच बच रहे, जब यहाँ दो एन एच टू जुड़े तो दो एच बच गए, और यहाँ एक ओ भी बच गया, तो बन जाएगा संग में एच टू ओ। बुद्धि से समझो, दोबारा देखो, दो एन एच टू आए यहाँ जुड़ गए, तो दो एच नहीं बचे क्या यहाँ, अब दो दो हैं तो दो एन एच टू जुड़ गए ना यहाँ, तो दो एच बचे और एक ओ एच टू बन गया, और दो सी एल इससे जुड़ के सी ओ टू सी एल टू बना रहे हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। ये नाविक स्नेही प्रतिस्थापन ही है, थोड़ी हार्ड है पर इन्हें पढ़ो भाई। दूसरी देखो बी, फिर क्लोरोबेंजीन के दो अणु हैं, अभिक्रिया सी यू सी एन से क्यूप्रस साइनाइड से, ठीक है, और अभिक्रिया की जा रही है वही 475 केल्विन ताप पर, दो सी यू सी एन लिए, अटैक करने आएगा इससे सी एन माइनस, नाभिक स्नेही कौन आएगा, सी एन माइनस, सी एल हटा करके जुड़ जाएगा, तो ये बन गया फेनिल साइनाइड। क्या बना, फेनिल साइनाइड, दो बनेंगे। अरे दो सी एन माइनस आए, दो सी एल हटा दिए, दो हैं ये, दो सी एन जुड़ गए। अच्छा क्या बनेगा संग में, सी यू टू सी एल टू, दो सी एल आ रहे ना, ये बन जाएगा, इसे भी याद रखें, इसमें बनेगा फेनिल साइनाइड, है ना, नाभिक स्नेही ये है सी एन माइनस। सी देखो, क्लोरोबेंजीन लिया, अभिक्रिया एन ए ओ एच से, और टेम्परेचर और भी उच्च है 625 केल्विन पर, इन अभिक्रिया में टेम्परेचर उच्च इसलिए चल रहा है क्योंकि ये कम क्रियाशील है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए। एन ए ओ एच लिया है तो इससे नाभिक स्नेही आएगा एन ए ओ माइनस। लड़का कहता है कि साहब एन ए ओ एच से तो ओ एच माइनस आएगा, ओ एच माइनस तब आता जब पानी होता है इसमें, अगर एन ओ एच जल के साथ होता तो एन ओ एच जल में टूटता एन ए प्लस और ओ एच माइनस में, अब आएगा एन ए ओ माइनस, हेलोजन हटा करके खुद जुड़ जाएगा, ना भी किसी प्रतिस्थापन में ऐसे ही तो होता है, तो यहाँ आ जाएगा ओ एन ए, अरे ये जुड़ जाएगा ना, और संग में एच सी एल बन जाएगा, अरे एच सी एल बन जाएगा एच और सी एल, तो नाभिक स्नेही ये आएगा हेलोजन हटा करके खुद जुड़ जाएगा, ये बनेगा, इसको बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड। नाम को ढंग से दिमाग में बैठा लेना हर चीज के को, क्या बना ये, सोडियम फिनोक्साइड है भाई, तुमने नाम पढ़ा होगा आर ओ एन ए का, सोडियम एल्कोक्साइड, ये है सोडियम फिनोक्साइड। अच्छा एक इससे मिलती जुलती अभिक्रिया और लिखूंगा मैं, पर जिगे नहीं है तो उसको बाद में लिखेंगे। ये तीनों रिएक्शन वीडियो को पोज करके आपको नोट करनी है, फटाफट नोट करो। रात्रि के 12 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं और हमारी फैमिली सोई हुई है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 11th की और बनानी है। नोट कर लिया, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डी। तीन तो ये आपने पढ़ ली और चौथी अभिक्रिया देखो डी, इसको लास्ट वाली को नहीं मिटा रहा हूँ, इसको यहाँ लिखी रहने दे रहा हूँ, समझाऊंगा कुछ इसलिए। नेक्स्ट डी, वही क्लोरोबेंजीन लिया और अभिक्रिया कराई जा रही है सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन से, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और इसका जलीय विलयन लिया जा रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये जल से अभिक्रिया करता है और बनाता है H2CO3 और NaOH, मतलब क्या बनेगा NaOH, और संग में बनेगा H2CO3 जो टूट जाता है H2O+CO2 में, CO2 गैस उड़ जाती है। तो एक तरह से जब मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन लिया है तो अर्थात NaOH बन गया, H2CO3 बन गया,
जो H2CO2 टूट गया तो NaOH का जलीय विलयन ले लिया मैंने, यह है जल नहीं है। अभिक्रिया वही 625 केल्विन पर हो रही है, NaOH का जलीय विलयन लिया एक तरह से, तो यहां नाभिक किस नहीं आएगा OH माइनस, और Cl हटा करके जुड़ जाएगा, यहां उत्पाद फिनॉल बनेगा। दोनों में अंतर है, अगर मैं खाली NaOH लेता हूं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन लेता हूं तो उत्पाद फिनॉल बनता है। के लिए डायरेक्ट याद रखेंगे, है ना। अच्छा, ये अभिक्रिया कितने टेम्परेचर पर हुई, 625 केल्विन पर। एक बात और सुनो, यदि बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह जोड़ दिए जाए, इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। देखो इधर समझो, जैसे बेंजीन वलय से मैंने NO2 समूह जोड़ दिया, ये NO2 समूह है इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की विद्रुणता ज़्यादा है कार्बन से। इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह से बोलते हैं जो बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जैसे NO2 समूह हुआ, CN समूह हुआ, CHO समूह हुआ, COOH समूह हुआ, ये सब इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह है। CN समूह भी और अपने एक समूह है, लड़का कहता है ये भी कार्बन वो भी कार्बन, पर इस कार्बन का संकरण sp है और इसमें कार्बन का संकरण sp2 है, और sp संकरित कार्बन जो होता है उसकी विद्रुणता अधिक होती है, है? इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह ये सब है। लड़का कहता है CHO, मैं इनकी CHO में देखो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की विद्रुणता अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह जो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जैसे NO2CN डायरेक्ट याद रखो, COCOH। अगर बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह जुड़ रहा हो तो वो बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे क्या होगा, बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा तो क्या होगा, तो नाभिक स्नेही जो है, आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक स्नेही अटैक करता है यहां पर और हेलोजन हटा करके खुद जुड़ जाता है, तो बेंजीन वलय जो होती है वो नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन वलय होती है इलेक्ट्रॉन धनी, आपको पहले भी बताया है, तो ये नाभिक स्नेही को धक्का मारती है कि तू कहां रहा है, खुद से अड़ने नहीं देती। तो हम कह सकते हैं एक कारण ये भी हो गया कि एरिल हैलाइड जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील क्यों है, क्योंकि बेंजीन वलय नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षित करती है, जिससे नाभिक स्नेही अटैक ही नहीं कर पाता है, तो अभिक्रिया कहां से होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अच्छा, अगर आप बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह जोड़ दो तो ये बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए इनका माइनस आई प्रभाव है। ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देते हैं। अब जब बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा तो ये नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षित क्या करेगी, अब कम, जिससे इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। भाई नाभिक स्नेही का अटैक अब आसानी से होगा, तो रिएक्शन की होने की संभावना बढ़ गई। अब मतलब अगर मैं बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह जोड़ूं तो बेंजीन वलय की, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता बढ़ेगी। बात को ढंग से समझो, यदि एरिल हैलाइड में ढंग से समझ लो, बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह क्या जोड़े जाए, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जोड़े तो इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह क्या करेगा, बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देगा, जिससे बेंजीन वलय पर नाभिक स्नेही का अटैक आसानी से होगा और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से होगी, मतलब इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। यदि एरिल हैलाइड में बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जोड़े तो इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह कोष्टक में लिख देता हूं या क्लियर लिख देता हूं, जैसे NO2 CN CHO COOH जोड़ें तो एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। क्यों होती है इसका कारण मैंने भी आपको समझाया है। तो अब यही काम करते हैं, यहां तो इलेक्ट्रॉन अपने समूह जुड़ी नहीं रहा एरिल हैलाइड में, अब जोड़ता हूं। यह एरिल हैलाइड है और इसमें ये बेंजीन वाले से एक इलेक्ट्रॉन से अपने एक समूह जोड़ दिया मैंने NO2, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया मान लो इसी से कराता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन से अटैक करने वही OH- आएगा। पहले ही अभिक्रिया जहाँ 625 केल्विन पर हो रही थी, अब ये अभिक्रिया मात्र 400 केल्विन टेम्परेचर पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्रियाशील अधिक हो गया ना इलेक्ट्रॉन अपने समूह जुड़ने से। जब इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई तब तो कम ताप पर अभिक्रिया हो जाएगी। बुद्धि लगाओ बुद्धि। तो अटैक करने OH- आएगा, हेलोजन हटा करके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा उत्पाद। इसका नाम है, ये तो फिनोल है, इसको ऐसे बोल लेते हैं, नंबरिंग यहीं से होगी क्योंकि OH होता है क्रियात्मक समूह और NO2 होता है प्रतिस्थापी। तो इसका नाम हो जाएगा 2-नाइट्रोफिनॉल, ये तो फिनॉल बन रहा है और ये क्या बन जाएगा 2-नाइट्रो, दो पे नाइट्रो जुड़ रहा है ना, और फिनॉल, ये इसका IUPAC नाम है। IUPAC में होते हैं अंक 1, 2, 3, सामान्य नाम पद्धति में तो ऑर्थो पैरा वगैरह चलते हैं। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, अब इसमें एक NO2 और जोड़ देता हूँ, और अभिक्रिया इससे ही कराता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन से। तो अभिक्रिया अब के तो 370 केल्विन पे ही हो जाएगी, अटैक करने वो OH- आएगा, Cl हटा करके जुड़ जाएगा, ये इसका नाम क्या होगा, देव नंबर यहां से करोगे 1, 2, 3, 4, तो नाइट्रो 2 और 4 नंबर पे जुड़ रहे ना, तो 2, 4 नाइट्रोफिनॉल ये बनेगा। अच्छा एक NO2 और जोड़ता हूँ भाई, जैसे NO2 जोड़ेंगे बेंजीन वाले का इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता चला जाएगा और ना भी किसने का अटैक आसानी से होगा, तो अभिक्रिया का टेम्परेचर घटता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्रियाशीलता बढ़ रही है, सबसे कम क्रियाशील ये है, फिर ये है क्योंकि ये इसकी तुलना में ये कम टेम्परेचर पर क्रिया कर रहा है, मतलब इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई, इससे अधिक क्रियाशील ये। ऐसे ही अगर हम यहाँ भी एक NO2 जोड़ देता हूँ मान लो, तो अभिक्रिया और भी कम टेम्परेचर पर हो जाएगी 300 पे, ठीक है, जिसको मैं लिखने के लिए जगह नहीं है। तो आप पहले इसको नोट करो फिर मैं उसको लिख दूंगा, है ना, पहले यहाँ तक नोट करो, वीडियो को पॉज करो, समझ के पढ़ो, समझ के बार बार कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक को समझ के पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? अच्छा एक रिएक्शन और लिखनी रह गई ना, उसको अब लिख देता हूँ, है ना। अब क्या मान लो तुमने ऐसा क्लोरोबेंजीन लिया जिसमें NO2 यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है और यहाँ भी जुड़ रहा है NO2, है ना, तो इसकी अभिक्रिया वही सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन से करा रहे हो, तो अभिक्रिया ये जहाँ 370 पे हो रही है तो ये 300 पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3-3 NO2 समूह है, इसकी वजह से ये सबसे अधिक क्रियाशील हो गया, अटैक करने वही OH- आना है और उत्पाद इस तरह का बनेगा, यहाँ पर Cl की जगह OH आ जाएगा, Cl हट करके OH और यहाँ 3 NO2, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ और एक NO2 यहाँ। इसका नाम बताइए, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये बना, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जिसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, इसका ये सामान्य नाम है, ये तो IUPAC नाम है, इसको क्या बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप इसको नोट करें नीचे के, इनके तो बता बेटा देता हूँ, ये तो आपने पहले लिख ली, तो इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट करें।
मतलब हमारे पास क्या निष्कर्ष आ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपने समूह की संख्या बढ़ती जाएगी, बेंजीन वाले से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन अपने समूह की संख्या बढ़ेगी, एरे लाइट की क्रियाशीलता बढ़ेगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। नोट करें, वीडियो को पॉज करें। कर लिया नोट। अब दोस्तों तो हम एल्किल हैलाइड पढ़ चुके हैं, हम एरिल हैलाइड पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात सुनो, एल्किल हैलाइड में हैलोजन समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है, एरिल हैलाइड में हैलोजन समूह बेंजीन वाले से जुड़ा होता है। ये जो एल्किल हैलाइड जो एरिल हैलाइड हैं ये हैं मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। बात को सुनना, हैलोजन व्युत्पन्न तो है ही, ये आपको शुरू में बताया था एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड ये है मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, क्योंकि इनमें हैलोजन है एक। अब हम पढ़ेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब तक हमने एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड पढ़े, जो है हकीकत में क्या मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न तो थे पर मोनो, मोनो का मतलब है इनमें एक ही हैलोजन होता था। अब पढ़ेंगे हम डाई हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, अच्छा अगर इसमें एक एच हटा करके एक सी एल और जोड़ दें तो ये डाई हैलोजन व्युत्पन्न बन जाएगा। क्लियर। अब लड़का कहता है साहब या मैं भी जोड़ दे, तो मैंने कि ये डाई हैलोजन व्युत्पन्न नहीं है, ये एरिल हैलाइड ही माना जाएगा। ढंग से सुन लो, मतलब एरिल हैलाइड में अपन एक एच हटा करके एक सी एल और जोड़ दें तो लड़का कह रहा है भाई ये डाई हैलोजन व्युत्पन्न है, नहीं ये अब भी एरिल हैलाइड ही है, एरिल हैलाइड ही माना जाएगा। मतलब ये है डाई हैलोजन व्युत्पन्न। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यदि एल्केन में से, जैसे ये एल्केन था, दो हाइड्रोजनों को हटा करके दो हाइड्रोजन हटा करके दो हैलोजन जोड़ दें तो ये बन जाएगा क्या डाई हैलोजन व्युत्पन्न। नाम से लग रहा है इनमें दो हैलोजन होंगे। और कैसे बने ये एल्केन से, यदि एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, दो हाइड्रोजन हटा करके दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाए तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण होता है। तो हम यही बात लिख सकते हैं, यदि एल्केन से दो हाइड्रोजन, एल्केन से ही बनेंगे ये केवल है ना, यदि एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं द्वारा कर दिया जाए तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण होता है। डाई हैलोजन व्युत्पन्न में कितने हैलोजन होंगे, दो, और मोनो हैलोजन व्युत्पन्न में एक। एल्किल और एरिल हैलाइड क्या थे, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात आगे सुनो, ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैम डाई हैलाइड, एक होते हैं बेस डाई हैलाइड। मतलब मैं लिखता हूँ कि डाई हैलोजन व्युत्पन्न तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक जैम डाई हैलाइड, एक बेस डाई हैलाइड और एक अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के हैं भाई, जैम डाई हैलाइड है ना। जैम डाई हैलाइड में क्या होगा, जो हैलोजन समूह हैं वो एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, ये जैम डाई हैलाइड है।
ठीक है। अच्छा बिस, ये तो जेम डाई हैलाइड है, जेम डाई हैलाइड। दूसरा बिस डाई हैलाइड है, इसमें हैलोजन समूह जो हैं वो पड़ोसी कार्बनों से जुड़े होंगे, पड़ोसी कार्बनों से, मतलब एक हैलोजन यहाँ और एक इसके पड़ोसी कार्बन। इसमें तो जेम डाई हैलाइड में तो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन जुड़े होंगे, दोनों, ये भी डाई हैलाइड है, जेम डाई हैलाइड, ये भी डाई हैलोजन व्युत्पन्न है, ये भी डाई हैलोजन व्युत्पन्न है। पर बिस डाई हैलाइड में हैलोजन निकटवर्ती कार्बन जुड़े होंगे पड़ोसी कार्बनों से। एक और होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, है ना, इनमें हैलोजन समूह फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर जुड़े होंगे, समझ लो मेरी बात है, मतलब फर्स्ट और लास्ट पर, मतलब इसमें तो देखो इसमें भी हैलोजन जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग कार्बनों पर हैं, पर ये दोनों कार्बन एक दूसरे के पड़ोसी हैं इसमें नहीं होगा, इसमें एक हैलोजन यहाँ है तो यहाँ है, एक हैलोजन यहाँ है, तीनों में ढंग से देख लो। जेम डाई हैलाइड जो है इसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन जुड़े होते हैं, बिस डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन पड़ोसी कार्बनों से जुड़े होते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन प्रथम और अंतिम कार्बन पर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न तीन तरह के हैं ना, पहले कौन से हैं, जेम डाई हैलाइड, समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। हम लिख सकते हैं सिंपली, इनमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, इनमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, इनमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया CH2Cl, हैं, इसको बनाता हूँ, ये बनाया CH3CH Cl और Cl, ठीक है। इसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं ना, इसका नाम याद रखो, सामान्य नाम एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें एक ही हैलोजन होता तो इसका नाम एथिल क्लोराइड होता ना, अब एडीन लगा देना पीछे, एथिलीडीन है, जैसे मैंने ये लिखा CH3CHCCl Cl और CH3, देखो आप ढंग से, ये भी मोनो, ये भी जेम डाई हैलाइड है क्योंकि इसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन जुड़ रहे हैं। अगर इसमें मान लो एक ही हैलोजन होता तो ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड होता ना, अब इसका नाम क्या बन गया, सामान्य नाम है ये आइसोप्रोपिलीडीन, एडीन लग जाएगा पीछे, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। तो इन दोनों के नाम आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्या नियम, सामान्य नाम है ये एथिलीडीन क्लोराइड, ये आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया मैंने जेम डाई हैलाइड के बाद, बिस डाई हैलाइड, इसमें क्या तरीका बताया मैंने, हाँ इनमें ये कहा इनमें दोनों हैलोजन पड़ोसी कार्बनों पर जुड़े होते हैं, समझ गए ना, दोनों हैलोजन पड़ोसी कार्बनों पर जुड़े होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल याद रख लेना इसको, नाम सहित, इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड, क्या नाम है, सामान्य नाम है इसका एथिलीन क्लोराइड, ये एथिलीडीन क्लोराइड है, ठीक है। और लास्ट थर्ड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, इनमें हैलोजन समूह
प्रथम व अंतिम कार्बन पर जुड़े होते हैं, सही है। दो हैलोजन होंगे ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं इनमें हैलोजन समूह प्रथम व अंतिम कार्बन पर जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं प्रथम और अंतिम पर जुड़े होंगे, जैसे निकटवर्ती और नहीं होंगे वो CH2CH2CH2Cl, ये लिख दिया मैंने। इसमें हैलोजन समूह जो है वो प्रथम व अंतिम कार्बन पर जुड़े होते हैं। इसका तो IUPAC नाम लिख लेना, सामान्य नाम नहीं है कोई भी खास, 1,4-dichlorobutane, ठीक है। तो ये है अल्फा ओमेगा, नामों पे इतना फोकस मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक को समझो, ठीक है। दोस्तों वीडियो लेंथी हो गई है काफ़ी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पहले पोज करके नोट कर लो फटाफट, कर लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।